Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government ETI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Mohammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की, हम बात करते हैं जहां पर उन्होंने कहा सबसे पहले एलन मस्क जो फाउंडर हैं सीईओ और एक्स के और टेस्ला के, कहा कि पेपर बैलेट्स के फेवर में बात की है मशीन्स के ऊपर। यूएस में इलेक्शंस आने वाले हैं, उन्होंने कहा कि कंप्यूटर्स पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। उनका मानना है कि पेपर बैलेट्स हाथ से काउंट होने वाले ज्यादा जो है अच्छे होते हैं, कंप्यूटर से बेटर होते हैं, कंप्यूटर पर वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। एक मेगा टेक जायंट ये बात कह रहा है। उन्होंने कहा कि वो एक मेगा डोनर है, आपको मालूम है ट्रंप कैंपेन के डायरेक्ट फॉलोअर में वो है, यानी कि जो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो कैंपेन में लगे हुए हैं और कंटिन्यूसली उनके काम में वो हाथ बढ़ा रहे हैं। ईवीएम्स पर उनका भरोसा नहीं, इस तरह की बात उन्होंने कही। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि ईवीएम्स का मामला हटा देना चाहिए और पेपर बैलेट जो है एक बगैर कोई भी शक और शुबा के वो काम कर सकते हैं। उसके बाद अहम खबर आपको लाएं तो इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर किया गया अटैक ड्रोन के थ्रू लेबनान से। इसराइली गवर्नमेंट रिपोर्ट किया कि ड्रोन लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के रेसिडेंस पर और बताया जा रहा है कैजुअल्टी वहां पर नहीं है। तीन सायरन इसराइल में सुबह सुबह सुनने को मिले जहां पर रेसिडेंट्स इनकमिंग फायर जो लेबनान से आ रही थी उस पर गौर फिक्र किया। नेतन्याहू या फिर उनकी वाइफ दोनों घर पर थे लेकिन इंसिडेंट में कुछ भी हाल नहीं हुआ है। ये मामला जब चल रहा है इसराइल का जो अटैक उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट हिजबुल्लाह के साथ जो स्टार्ट की, जो हमास के अलाई हैं और ईरान से सपोर्ट मिल रहा है, इंटेंसिफाइड हो चुके कुछ दिनों से, उसी को चलते हुए ये अटैक किया गया है, इस तरह की बात बताई जा रही है। नेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो बाबा सिद्दीकी के मर्डर को हम कंटिन्यूसली फॉलोअप करते आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि जो शूटर थे उनके पास जब चेकअप किया गया तो उनके पास से फोटो मिली एनसीपी एमएलए जीशान सिद्दीकी की, यानी कि बाबा सिद्दीकी के बेटी की तस्वीर भी उनके जेब से निकली, यानी कि वो भी प्राइम टारगेट में से थे। बताया जा रहा है कि वो हैंडलर को दिया गई थी कि एक ऐप के थ्रू स्नैपचैट जो है और वहां पर से ही कम्युनिकेशन चल रहा था। उसके बाद बताया जा रहा है कि ये मैसेजेस डिलीट भी किए गए थे जो कि शुभम लोंकर के नाम से आ रहे हैं, जो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक शख्स है। अलमिजा टूर्स एंड ट्रेवल्स 15 दिन का नवंबर डिलेक्स उमरा पैकेज, डिपार्चर है 5 नवंबर और 13 नवंबर, 15 दिन का ये पैकेज है जो कि होटल्स काफी करीब हैं। प्राइस आ रहा है इसका 95,000 रुपीज। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर पर कांटेक्ट करें जनाब मोहम्मद जावेद साहब को। बुलेटिन में मैं बोलते बोलते एकदम जो है थक सा गया हूँ। ये बॉम्ब थ्रेट्स ये कब खत्म होंगे बता रहा हूँ आपको मैं। फिर 3 विस्तारा फ्लाइट्स को बॉम्ब थ्रेट्स मिले, एक ही नहीं बल्कि हफ्ते की रोज अगर मैं आपको बात बता दूँ तो करीब 30 अलग अलग फ्लाइट्स पर बॉम्ब थ्रेट्स आए हैं। अलग अलग फ्लाइट जा रहे हैं लंदन से, पेरिस, हांगकांग, दिल्ली, हर जगह पर आपको जो है इंडिया के जो फ्लाइट्स हैं जो कहीं से आ रहे हैं कहीं से जा रहे हैं वहीं पर ही आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के बॉम्ब थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। एक वाक्य अगर मैं बताऊं आपको तो विस्तारा जो फ्लाइट थी दिल्ली से लंदन जा रही थी, अचानक उसे फ्रैंकफर्ट को डाइवर्ट करना पड़ा प्रिकॉशनरी मेजर के लिए। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर लैंड हुई, उसके बाद अथॉरिटीज ने कंप्लीट चेकअप किया और उसके बाद कंक्लूड हुई जर्नी। देखिए ये समझ के बाहर, मैंने कल जो बात कही थी फिर से मैं बात दोहराना चाह रहा हूँ कि क्यों एयरपोर्ट वाले ऐसा इग्नोर कर रहे हैं। हर पैसेंजर थरोली चेक कर दिए, एयरप्लेन में फिर से एक बार थरो चेकअप हो गया तो फिर बॉम्ब थ्रेट की लेकर करें क्या, बोले कौन बॉम्ब लेकर आएंगे। जब सिक्योरिटी जब इतनी हाई अलर्ट हो जाएगी तो परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अजीब और गरीब वाक्य आप तक ला रहे हैं तेलंगाना से जनगांव का। आपको बता दें कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो है एक गाड़ी अपने स्टूडेंट को दे रहा है ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे हम लेते हैं ना गाड़ी की प्रैक्टिस करते हैं, गाड़ी सीखने की प्रैक्टिस करते हैं, ये एकदम जज्बात में आ गए। गाड़ी प्रैक्टिस करते करते टैंक सामने आ गया, पानी ब्रेक मारना भूल गया, एक्सीलेटर दब गया और सीधा पानी रफ्तार से गाड़ी जाकर तालाब में गिर गई है।
तालाब में गिर के गाड़ी जो है डूबना शुरू हो चुकी है, लेकिन किस्मत की बड़ी अच्छी बात यह है कि आसपास के लोगों ने देखा और फौरन वहां पर पहुंचे और वो लोग भी एस्केप हो गए। खिड़की में से कूदते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से दोनों ने जंप की। उसके बाद पासर बाई ने थोड़ा सपोर्ट किया और वो दोनों बाहर सही सलामत निकल गए। देखिए ऐसे ऐसे वाक़े भी हो जाते हैं बाज़ वक्त, तो प्लीज़ अगर आप लोग इस तरह से ड्राइव कर रहे हो सीख रहे हो तो पानी के आसपास ना जाएं और सेफ़ एरिया देखकर ही आप लोग ड्राइविंग की प्रैक्टिस करें। और उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो ऑपरेटर डोर है ओपन नहीं होते हैं तो विंडोज़ अगर क्लोज़ हो जाती हैं, अगर वो भी बैटरी ऑफ हो जाती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है लोगों को अपने विंडोज़ तोड़ने के लिए। इसलिए हमेशा अपने कार में कुछ ऐसा तेज़ चीज़ रखें जिससे आप विंडो फोड़ सकें। जो आपके सीट के पीछे जो हेडरेस्ट आता है उसे निकाल कर भी आप फोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ सेकंडों का टाइम मिला था यहाँ पर करने के लिए। आप सब लोग इस बात का ख्याल रखें। उसके बाद बड़ी खबर ये ला रहे हैं आपको कि जनाब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिलीज़ किया गया है। 10 महीने वो जेल में रहे अपने एक बयान के बाद जो इन्हें गैरमामूली, उस बयान पर विवाद छिड़ा और उन्हें पासा एक्ट के थ्रू एफआईआर के थ्रू उन्हें जेल में डाला गया था। वडोदरा गुजरात में वो जेल में थे और कल उनका सुप्रीम कोर्ट से इमीडिएट रिलीज़ का ऑर्डर आ गया था और आज वो बाहर निकले हैं। एयरपोर्ट पर वो नज़र आए जहाँ पर तस्वीरें ली गई होंगे, हज़ारों चाहने वाले वहाँ पर मौजूद रहे। शेर आया कि नारे लग रहे थे, तो मुफ्ती सलमान अज़हरी ने ये भी कहा कि शेर आया है शोर भी आएगा। इस तरह के बयान देते हुए वो मुस्कुराते हुए बाहर निकले। वहीं लॉरेंस कम्युनिटी के नेशनल प्रेसिडेंट का आया बयान, कहा कि लॉरेंस हर्ट हुआ है, यानी कि जिस तरह से सलमान खान पर निज़ाम लगा है ब्लैक बक केस का, उसी को चलते हुए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। यानी सलमान खान को ब्लैक बक मारने पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने धर्म का जो है उनका जो रीति होती है उसको ठेस पहुँचाया। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। सलमान खान ने जो ब्लैक बक का हत्या की थी, शिकार किया था, उससे समाज बहुत आहत है। पिछले 24-25 साल से हम लोग दर्द लिए हुए घूम रहे हैं और उससे लॉरेंस भी उसी से दुखी है। विश्वी समाज ये चाहता है कि भाई जो उसने गलती की है, बड़ी भारी गलती की है, उस गलती की उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। विश्वी समाज पर्यावरण, पेड़ पौधे, वन्य जीवों को बचाने वाला ये एक ऐसा समाज है विश्व में जो निस्वार्थ भाव से प्रकृति को बचाता है, सृष्टि को बचाता है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स शरेटन टावर्स एमएसके मिल रोड गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद बसेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री मुस्लिम चौक, अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स यदुला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड ओल्ड जेवरगी रोड। गुलबर्गा की अगर हम बात करें तो गुलबर्गा में आपको बता दें कि सीआईडी ऑफिशियल्स ने रेड कंडक्ट की है। एमएलसी बीजेपी के एमएलसी सुनील वल्लयपुरी के घर पर बताया जा रहा है कि जो 12 करोड़ का स्कैम जो किया जा रहा है, उस स्कैम के अंदर उनके बेटे का भी रोल कहीं ना कहीं कनेक्ट है। इसी को चलते हुए सीआईडी ऑफिशियल्स डीवाईएसपी असलम बादशाह जी के साथ साथ कई सारे ऑफिशियल्स मौजूद रहे और ये एलिगेशन पर छानबीन की गई। एमएलए साउथ आलम प्रभु पाटिल के साथ साथ लाल अहमद बॉम्बे सेठ ने मीडिया से एड्रेस करते हुए कई सारे अहम बातें जनाब खमरुस्सलाम साहब के रिलेटेड भी उन्होंने कही और क्या उनका कहना है आइए सुनते हैं। जनाब मरहूम खमरुस्सलाम साहब कौम व मिल्लत के लीडर कायद मोहतरम की पॉलिसी पे कुछ लोग उंगली उठा रहे थे, उनके कारनामे, उन्होंने जो काम कर गए हैं, कुछ अधूरे काम को जो है मैडम कनीस फातिमा जोर लगा के जो है उसको करने की पूरी कोशिश कर रही हैं और हज भवन जल्द से जल्द बनने के लिए गुलबर्गा सिटी में बनने से तमाम नॉर्थ कर्नाटका के हाजियों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचने जा रहा है। आज हमारे गुलबर्गा को उर्दू भवन और हज भवन दोनों सैंक्शन हो गए। सैंक्शन होने उन्होंने पहले से मिनिस्टर था, जब से प्रयत्न था उनका कनस्ता इधर होना बोल के, अब हमारा खनिजा पाटिल मैडम और प्रियंका खड़गे जी सब मिलके सैंक्शन कर लेके आए। उर्स शरीफ वली कामिल चिराग चिश्त हजरत सैयद अकबर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह फरजंदे अकबर व जानशीन हजरत सैयद मोहम्मद हुसैनी
ख्वाजा बंदा नवाज केसोतराज रहमतुल्लाह अलैह। जी आपको बता दें कि जुलूस संदल 15 रबीउल सानी यानी कि 19 अक्टूबर को सदर सफे से जुलूस संदल की रवानगी हुई। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज केसोतराज रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत ही अच्छी बात है जो उन्होंने अपने फर्जन हजरत सैयद अकबर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के लिए कही थी कि अगर वो मेरे बेटे नहीं होते तो मैं उनके लिए पानी लाता था वजू के लिए। सियारे मोहम्मदी में ये बयान आता है। तस्वीर में आप देखते हैं हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब जानशीन सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज केसोतराज रहमतुल्लाह अलैह ने सारे रस्मों को अंजाम दिया। उसके बाद शाम में समा भी हुआ। आई देते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। उसके बाद आपको बता देंगे एमएलए मैडम कनीज फातिमा साहिबा के साथ साथ जनाब फराज उस्लाम और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स एक स्पेशल इवेंट में मौजूद रहे जहां पर हम बात करें ताहिर अली कॉरपोरेटर साहब वहां के वार्ड पर आए और वहां पर कई सारे इवेंट्स को इनाग्रेट भी किया। जहां आरओ वाटर का सप्लाई भी था, रोड इनाग्रेशन भी वहां पर था। उसके बाद मैडम कनीज फातिमा साहिबा ने सोनिया गांधी कॉलोनी को विजिट किया है। आइए देखते हैं। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो कल 78% बारिश की संभावना बताई गई थी लेकिन बारिश नहीं आया, थोड़ी देर के लिए आया लेकिन आज भी मौसम जो है बारिश का बताया जा रहा है। ब्रीफली सुबह में धूप रहेगी, उसके बाद दोपहर से या शाम के टाइम पर बारिश आने के चांसेस है। टेम्परेचर 31 डिग्रीज है, बारिश के चांसेस 56% है। रात में तो अबर सा आ गया था लेकिन बारिश नहीं हुई थी। देखते हैं कि मॉर्निंग क्या लाई है। Thought for the day is presented by Desi Gold Pure Chakki Atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. Aaj ka thought of the day. Today, I close the door to the past, open the door to the future, take a deep breath, step on through and start a new chapter in my life. Yani ki main apne aaj jo aaj waqt mere paas hai, wahan par purana jo hai, mera pichla jo kal hai, uske raaste ya darwaza sab band karta hu aur फ्यूचर का दरवाज़ा खोलता हूँ और एक नई जर्नी शुरू करता हूँ। इस तरह से आप अपने आप को बात करके अपने आप को पॉजिटिविटी लाना चाहिए। हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स आर ब्रॉट यू बाय अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हर जुमरा सर्विसेज नियर पाकिस्तान अपोजिट इनामदा पेट्रोल पंप दरगाह रोड गुलबेका। गवार की फली के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि न्यूट्रिएंट्स में बड़ा अच्छा है, एनेमिया को रिजॉल्व करता है, डायबिटीज के लिए बड़ा अच्छा है, वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बोन्स इससे होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रेगनेंसी के लिए अच्छा है, कार्डियक हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। कॉमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय बेग न्यूरोसाइकियाट्री हॉस्पिटल एंड डी एडिक्शन सेंटर डॉक्टर अब्दुल राफी मुख्तदिर बेग एमबीबीएस एमडी साइकियाट्री कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट अपोजिट गवर्नमेंट टीटीआई दरगाह रोड एसटीबीटी 24/7 इमरजेंसी साइकियाट्री सर्विसेज। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है हाजी शेख का। सलाम अलैकुम सैयद गौस ने लिखा, मैं खैरियत मेरे बड़े भाई सलेह तबूस ने सलाम लिखा है, सोहेल चौधरी, सैयद यूनुस, सैयद मोइन पटेल, इस्माइल बेग, नौशिन जी, सैयद यूनुस अली, मोहम्मद वहाब, मोहम्मद अनवर, सैयद मुआइद, आयरा जैन, अहमद सना अंजुम, जावेद शेख, मोहम्मद बेगम, हल स्मैश और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम। सुपर संडे की अगर हम बात करें तो कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, सोहेल चौधरी का लिखा, तार भाई आवारा कुत्तों का क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है मामला, ये सब बिल्कुल बहुत समझ के बाहर है। गुड मॉर्निंग इंटरेस्टिंग न्यूज़ चैनल लिखे हैं इस्माइल बेग, कल शाम में एक न्यूज़ देखा था मैं, न्यूज़ 18 पे एक लेडी अपने बेबी को हॉस्पिटल लेके आई थी और वो रिसिप्ट की 20 रुपये फीस थी और लेडी के पास सिर्फ 15 रुपये थे मगर 5 रुपये काम करने की वजह से वो बेबी को डॉक्टर साहब ने नहीं देखा और वो लेडी वहाँ से वापस घर चली गई। बड़ा अफसोस हुआ इस तरह का सुनने के बाद। वर्ल्ड के लीडर्स मिलकर डेवलपमेंट और पीस के लिए फोकस करें तो वर्ल्ड आगे आएगा, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड फॉर आवर स्कूल चिल्ड्रंस एंड बीएड करप्शन शुड स्टॉप, लिख रहे हैं आरसीएम क्वालिटी। अल्फाबेट स्टैंड फॉर ओ अपॉर्चुनिटी विच इज एब्सेंट इन यस्टरडे अवेलेबल वंस इन टुडे एंड थ्राइस इन टुमारो नेवर लूज होप। बिल्कुल लूज होप में भी मैं बता रहा हूँ कि जो है होप में भी ओ है, तो बड़ी अच्छी बात लिखी है नौशिन जी ने। सर यूनुस अली ने कमेंट लिखा है कि जो फंक्शन हॉल का जो एरिया है वहाँ पर जो है काफ़ी सारे हादसे हो रहे हैं, वहाँ पर लोग गिर रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। वॉच मीडिया टीम मेंबर्स को सारे न्यूज़ देखने वालों को दुआ में याद रख लिखे मोहम्मद वहाब। ह्यूमैनिटी लवर्स ने तार गुलबर्गा डेवलपमेंट बस इन चीज़ों से हो रहा है कि बच्चों को कुत्तों से काटना और कहीं पर भी रोड पर एक्सीडेंट होना मौत का और किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस तरह की बात लिखी है।
मुफ्ती मौलाना सलमान अज़हरी साहब को जिस तरह से केस से कोर्ट का इतना इंपॉर्टेंट टाइम और मौलाना का 10 महीने ख़राब है उसके लिए लोग का मतलब एफ आई आर फाइल करने वालों को एक फ़ाइन इंप्लीमेंट करना चाहिए लिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा शेख सलाउद्दीन साहब आपने। सैयद मुआयद लिख रहे हैं वॉइस ओवर के लिए नई आवाज़ को चांस दो भाई लिख रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई जो है साथ में सपोर्ट करे क्योंकि देखिए पिछले लगातार 4 साल से एक बार भी मैंने मतलब ना बुखार देखी ना सर्दी देखी, हॉस्पिटल कई जगह पर, फिर कई रिश्तेदारों में इंतकाल, कई रातें जो है सोना नहीं करना, लेकिन बावजूद भी मैं हमेशा से आप लोगों के लिए 12 से 15 मिनट निकालता हूँ और एक फ़र्ज़ और एक पैशन की तरह आप लोगों को आवाज़ देता हूँ। खैर मैं डेली बुलेटिन में तो मैं समझता हूँ कि सिग्नेचर वॉइस मेरी ही रहेगी जब तक मैं अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह ताला। मैं जब शो चलेगा मेरी वॉइस मैं रखूंगा, लेकिन जो नॉर्मल वीडियोस होते हैं मैं वहां पर वॉइस ओवर्स के लिए ढूंढ रहा हूं। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छी वॉइस है, कोई टैलेंट है, तो ज़रूर आप हमारे कंपनी के नंबर पर कॉल करें 9113542278 और ज़रूर हम मौका देंगे। अरसन लिख रहे हैं थैंक्स आप ये बोल के टेंशन को दूर कर दिया, अल्लाह का शुक्र है लिखे। तार इस्लाम आलम कॉरपोरेशन में डिप्टी मेयर और मेयर हमारे कांग्रेस के हैं, एमएलए हमारे कांग्रेस के, एमपी हमारे कांग्रेस के हैं, तो गुड़गांव में समझ नहीं आ रहा जंगल राज क्यों चल रहा है लिख रहे हैं। तारवे बहुत खुशी हुई आप मेरा मैसेज पढ़े, आप मेरा पूरा नाम एक बार बोल दीजिए। अहमद पाशा टेलर मंगलगी तालुका कालगी जिला गुलबर्गा, मैं आपका न्यूज़ हर दिन देखता हूँ, मैं आपका ग्रुप ज्वाइन कर चुका हूँ लिखे हैं अहमद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद पाशा टेलर, उम्मीद करते हैं मंगलगी तालुका यानी कालगी से आप हमें देख रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। और कालगी भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा, मैंने सुना है कि कालगी में प्लॉट्स के रेट भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि 30-40 का प्लॉट मैंने सुना है कि 25 लाख 28 लाख रुपीज़ चल रहा है। तो ज़रूर हम कालगी विज़िट करेंगे और आपसे मुलाकात भी करेंगे अहमद पाशा साहब। तो ऑफिशियल लिख रही है सितंबर सितम का बारिश कब ख़त्म होता था, अरबे अक्टूबर ख़त्म होने आया। बिल्कुल मेरी वालदा हमेशा कहती थी कि सितंबर में सितम की बारिश आती थी, बहुत आ गई अक्टूबर में भी, अब जो है ना औंटने वाली बारिश आ रही है और ये कब ख़त्म होगी। बहरहाल देखिए मौसम है, हम बोल नहीं सकते, बारिश के लिए तड़प रहे थे, बारिश आ रही है, अब धूप के लिए तड़प रहे हैं, हम जो है बेसब्र हैं। बहुत बुरा आजकल बहुत हादसे हो रहे हैं, अल्लाह सबकी हिफाज़त कर लिखे हैं कौसर जी। भाई वार्ड नंबर 15 गरीब नवाज कॉलोनी की रोड का कोई अपडेट है क्या लिख रहे हैं सर, वहाँ का कोई अपडेट नहीं है मेरे पास। बहुत खुशी हुई सुनकर बेल मिल गई लिख रहे हैं मोहम्मद बेगम। सलमान अज़हरी साहब को जो रिहा किया गया बहुत खुशी की बात है, इस तरह की बात उन्होंने लिखी है हबीब साहब ने। आसिस जजील तार भाई ये हागरगा की रोड का काम कब चालू होगा, आखिरी इनॉग्रेशन हो। बिल्कुल ये काम चल रहा है, मेजरमेंट्स चल रहे हैं, वो काम बिल्कुल जैसे मैं आपको बुलेटिन में 15-20 दिन पहले से बोलते आ रहा था कि काम हो चुका है, उसका टेंडर हो चुका है, उसी तरीके से काम भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT, and by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.